घटना, ग्राइंडर मशीन से पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या। राष्ट्रीय की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के मल्होरी इलाके में वार्ड नंबर 2 में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने पहले 3 लोगों को पत्थर काटने वाली ग्राइंडर मशीन से हत्या की, इसके बाद मासूम बच्ची का गला घोटकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हत्या करने वाले शख्स ने एक नोट भी लिखा है जिसमें उसने कबूल किया है कि उसने 4 लोगों की हत्या की है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। शख्स की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी लड़की की उम्र 7 वर्ष है, लड़के की उम्र 5 साल और सबसे छोटी लड़की की उम्र 2 महीने है। आरोपी का नाम उपेंद्र शुक्ला है, वह पेशे से टीचर है। उसने शुक्रवार देर रात 1 से 1.5 बजे के बीच सभी की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान उपेंद्र ने खुद को डिप्रेशन में बताया। जिस घर में 4 लोगों के कत्ल हुए उसी घर में आरोपी की माँ भी रहती है। उसने देखा कि उपेंद्र दरवाजा नहीं खोल रहा है तो उसने सुबह पड़ोसी को सूचना दी। इसके बाद पड़ोसियों ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।